चुप जाओ, रो मत, रो मत, रो मत। कौन है जरा देखो। ठीक है भाई, चुप जाओ, चलो बस 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 बस। ए भाई बुला रहे हैं, चलो। ए, इधर क्या कर रहे हो? मैं इससे प्यार करता हूँ सर। कुछ प्रॉब्लम है क्या सर? हमारा गांव कौन सा है? शांतिपुरम। शांति? उसी के बगल में अंबेडकर नगर सर। ऐसा बोलो, तुम्हारा गांव कौन सा है? शांतिपुरम। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? वेदा रेड्डी। अच्छा, तो अपने वेदा रेड्डी की बेटी है यार। तुम्हें इसे बाहर नहीं आना चाहिए बेटी। इधर देखो, तुम्हारे पिताजी से बात करके इस प्यार को मिला के रहूंगा। जाओ, तुम जाओ। ए, इसे बस तक छोड़ दो। हेलो। क्या बात है बिद्दा रेड्डी? इधर तुम्हारी बेटी किसी के साथ घूम रही है और तुम घर में क्या कर रहे हो? अरे एग्जाम है करके बोली थी, इसीलिए भेजा था भाई। अभी अभी बस में बैठा के भेजा हूँ, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके हाथ पैर तोड़ दो भाई। अरे बिद्दा रेड्डी, मार खा के भी ये फिर से यही हरकत करेगा। दोनों में से एक चला गया तो शरीर के साथ उसका दिल भी मर जाएगा। देखो, हमारी जमीन जायदाद मान मर्यादा इज्जत नहीं है, हमारी घर की लड़की ही इज्जत है। लड़की को तुम अच्छे से देख लो, मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि हमारे घर की लड़की ही हमारी मर्यादा है। अब मैं अपनी मर्यादा की रक्षा करूँगा। अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। तुम सबको हमारे घर की लड़कियां मिलती क्या? बोलो। मैंने प्यार ही तो किया है, कोई गुनाह थोड़ी किया है। ओए रुको। दूर रहने वाला उस मुंबई में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ तो इधर रहने वाले हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ लेते हैं तो है? इधर भी तुम दोनों मिलकर भाग गए तो ऐसा कोई बोलने वाला नहीं रहेगा कि हमारी बेटी को कोई भगा कर ले गया है। हमें लोग नालायक की नजर से देखेंगे, समझे? नए नए बने रोड में गाड़ी बहुत स्पीड से जाती है, दो तीन एक्सीडेंट के होते ही वहां स्पीड ब्रेकर और सिग्नल बन जाते हैं, तभी ड्राइवर लोग स्पीड को कम करके आराम से जाते हैं। ये भी ऐसा ही है। हमारे घर की लड़की के मामले में अंदर आने वाले तुम जैसे को काट दूंगा, तब हमारे घर की लड़कियों के मामले में नहीं आओगे। ए!
मेरे प्यारे साथियों, दिल थाम के बैठिए। मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। आज इतिहास बदल जाएगा। जो नहीं समझा उसे मत समझाओ। सेंटर होने दो, स्ट्रेट होने दो, पोजीशन होने दो, ऑपोजिशन होने दो, पावर होने दो या घमंड होने दो, जब तक मैं हूँ ये एक साइड इंजन है। हिस्ट्री रिपीट। चलो इसे लेके चलो, मारो इसे। रुक जाओ। हमारे घर की लड़कियां चाहिए तुझे हैं? एक पांच मिनट इसी तरह दबाने से मर जाएगा तू। तुम्हें हमारे घर की लड़की चाहिए? ले आओ। ए, चल खड़ा हो यहाँ से। अरे मैं बोल रहा हूँ रुको ना, कहाँ लेके जा रहे तुम? अरे लेके जा रहे तुम? इसे एक को पकड़ कर सब लोगों ने मारा था। हाँ, लड़की के चक्कर में घूमेगा तो कोई इसकी आरती उतारेगा क्या? ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अरे इतने में छोड़ दे काफी नहीं है क्या? वैसे उनकी जात क्या है, हमारी जात क्या है? उसे देखकर प्यार करना चाहिए था ना। इसके ऊपर गुस्सा करने के बजाय तुम उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो। वैसे भी अभी समझाने में तुझे समझ नहीं आएगा। हाँ छोड़ उसका। क्यों छोड़ने को बोल रहे हो पिताजी? जब उन लोगों को वोट चाहिए तो हम चाहिए। उनके खेत में काम करने के लिए हम चाहिए। उनके जन्म लेने से मरने तक जुलूस में हम चाहिए। और तो और खाने पीने की चीज जब उनको मिल जाती है उसके बाद हमें मिलती है पिताजी। ऐसे ही क्यों छोड़ना है उन्हें? अगर प्यार करना गलत है तो इसे ऐसे क्यों मारा पिताजी? सीधे बोलने से तुझे समझ नहीं आएगा। अभी छोड़ उसे, चल जाए यहाँ से। देखो कृष्णा, उनके साथ लड़ने की हैसियत और हिम्मत दोनों ही नहीं है हमारे पास। कितनी मेहनत करके तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पढ़ाया। कम से कम मेरी बात मानकर उस लड़की को भूल जाओ। अब हमारे गांव में से किसी लड़की से प्यार कर लो तुम, हम सब लोग मिलके तुम्हारी शादी करवा देंगे। जाओ, जाकर उसे समझाओ, अच्छे से समझाओ। जाओ, हाँ तुम लोग भी जाओ। अरे अरे यार, छोड़ दो ना। हे मामा, हमारे चुप बैठ जाने से वो हमारे सर के ऊपर नाचने लगेंगे। देखो, तुम्हारे पिताजी के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। अरे तुम्हारे पापा आ रहे हैं। अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे उनके साथ रहकर क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? किसका पापा ऐसे बोलता है? सुनो कृष्णा, इंटर पास किए हुए कितने दिन हो गए तुम्हें? कॉलेज नहीं जाओगे क्या? अरे इस तरह इनके साथ रहोगे तो तुम भी नालायक बन जाओगे। जिस कॉलेज में शिवा नहीं है वो कॉलेज है क्या? एक बार शिवा को केमिस्ट्री में पास हो जाने दो, फिर हम साथ मिलकर कॉलेज जाएंगे। वो 10 बार भी केमिस्ट्री का एग्जाम देने पर पास नहीं होगा। इस जन्म में तुम भी किसी कॉलेज में ज्वाइन नहीं करोगे। तुम्हारी जिंदगी जाए भाड़ में। बाय अंकल। पता नहीं ये ओपिनियन देते हो या श्राप देते हो। अरे रहने तो छोड़ो यार। अरे मामू, ये सब हमें क्यों बता रहे हो? नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है ये बताओ ना। ए, सब लोग इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी मुझे हाथ दो। लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स, सब लोग हमें वो नहीं चाहिए। हमें वो नहीं चाहिए। कोई कुछ भी बोले, बोलने दो, बोलने दो। वो लोग भाड़ में जाएं, भाड़ में जाएं। हम प्यार करके ही शादी करेंगे। हम प्यार करके ही शादी करेंगे। भगवान की कसम खाकर कहते हैं। हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं। शिवा, हे तुम हटो। क्या हुआ बेटा? सबके सामने मार दिया माँ। अरे जाने दो, छोड़ो, तुम्हारे अच्छे के लिए मारा होगा। माँ, इसको बहुत मारा इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे तुम लोग इस तरह गुस्से में जाकर झगड़ा करोगे तो वो चुप बैठेंगे क्या? अरे उसके लिए इस तरह मार खाने के बाद भी हम चुपचाप बैठे रहे क्या माँ जी? ऐसा नहीं बोल रही हूँ। राम ने भी बाली को चुपके से ही मारा था। तुम लोगों को कुछ करना है तो सोच समझ के करो। अरे बाहर निकलिए, छोड़ो,
उधर भागा उधर। कहाँ गया? कहाँ गया वो? उधर देख। कहाँ गया? नहीं इधर नहीं है। पकड़ लो उसे, छोड़ना नहीं। ए, रोक रोक। दीदी इधर से जाओगे तो वो लोग रहेंगे, यहाँ से निकल जाओ, समझ गए? दीदी किधर हो? बाहर आओ, छुपा छुपी खेल रहे हैं, पर अब कहाँ हो? बाहर निकलो। माँ भूख लगी है, खाना दो ना। अरे जरा रुक, सीरियल देखने के बाद देती हूँ। आप भी ना, जब देखो सीरियल देखती रहती हो। अरे खाना खा के घूमना बंद कर, कम से कम इस साल तो वो सब्जेक्ट निकाल ले, रिजर्वेशन कोटा में कम से कम कहीं तो जॉब मिलेगा। अभी उसकी इतनी जल्दी नहीं है पिताजी। मतलब इस जन्म में तुम्हारा कोई इरादा नहीं है पास होने का, तो फिर क्या करोगे आगे? जो पौधे को लगाएगा वही दाना पानी देगा। मतलब जिंदगी भर मुझे ही दाना पानी देना पड़ेगा? तेरे साथ जो कृष्ण मूर्ति का बेटा पड़ता था लॉयर बन गया है। आप एक बार जानते हैं क्या, उसी लड़के ने अपने पिताजी के ऊपर केस किया जमीन को लेकर। अब ये बात भी बोलकर दिखाओ। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। इन सब में मुझे मत घसीटो, चलो खाना खाते हैं। अरे क्या हुआ, कोई लड़की वड़की पट गई क्या? ये तुझे कैसे पता? अरे इस टाइम तेरा कभी कॉल नहीं आया ना, तो मुझे डाउट हुआ यार। हाँ मामा एक बात बोलूँ, बहुत डिस्टर्ब कर रही है वो। जब तक तुम किसी को बताओगे नहीं तुम्हें नींद नहीं आएगी, इसीलिए तुमने मुझे फोन किया है, यही बात है ना? हे पहले तुम जाकर सो जाओ, सुबह क्या करना है वो हम बाद में देख लेंगे। मुस्तफा मुस्तफा डोंट वरी मुस्तफा। हाथ में आया हुआ आदमी ऐसे कैसे निकल गया? सारी गलती इस गधे की है। कैसे वो बच के निकल गया? कैसे हमने छोड़ दिया उसे? अरे वो सब लोग इधर ही हैं, इस तरफ से चलो। हे इतना मार खाने के बाद तो उन्हें हॉस्पिटल होना चाहिए, ये बस स्टॉप पे क्या कर रहे हैं? हे अभी उन्हें छोड़ो, अभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग, चलो यहाँ से। ठीक है यार। क्या करता है यार, गिरा दिया। इसने तो हमारी लड़की को ठोका है। हैं साले, एक खींच कर मारूंगा गाल पर मैं, अभी चिपक जाती है रोड पर। वो तो सही टाइम पे मैंने ब्रेक लगा लिया। ये रोड तुम्हारे बाप की है क्या? चंद्रबाबू नायडू ने बनाया है। ये रोड है तुम्हारा घर नहीं, यहाँ अगल बगल देखकर चलना होता है, समझ गई? ए बहन तुझे कुछ हुआ तो नहीं? अबे जब सच में ठोकर लगती है तब चोट लगती है। अबे चोट नहीं लगी तो क्या हुआ? रुक जा अभी तेरे को दिखाता हूँ चोट क्या होती है, रुक जा। Hey, मुझे रात को उसी लड़की ने बचाया था। लगता है वो पहचानी नहीं। अच्छा, दो गोल्डिंग सुना, वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी, कुछ करना होगा यार उसके लिए। hey, तू टेंशन लेके मुझे टेंशन मत दे, समझा? कितने का है? 200 रुपए का ना। hey, पैसे दे इसे, ले ले वॉच कर। ये बॉक्स उसे देगा तो वो ले लेगी क्या? ए तू साचल सब बता दो। लगता है तू ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। हेलो हेलो, किधर जा रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे। अच्छा, लगता है वो इसे भूल गई है। अरे क्या नाम है उसका? मैं बचपन से उसे चिट्टी चिट्टी के नाम से बुलाता था, अभी उसका नाम भूल गया हूँ। आज उसके लिए बहुत स्पेशल डे है, आप ही ये उसे दे देना और 2 चॉकलेट आप भी खा लीजिए। अरे वो पूछेगा तो क्या बोलूंगा? बोलिए तुम्हारे मामा ने दिया है। मामा ने दिया है? ये कैसा मामा?
चलो निकलो, निकलो यहाँ से। क्या हो गया भाई, मुझसे क्या गलती हो गई? जब से तुमने किसी और जात के साथ रिश्ता जोड़ दिया है तब से तुम ये अपना अधिकार खो चुके हो, समझे? अरे प्यार तो कॉमन बात है भाई। कॉमन? अरे तुझे क्या है, हैं? किसी भी सिटी में जाकर यहाँ वहाँ घूमकर चक्कर काट कर तुम कहीं भी जी लोगे क्या? अगर कल को यहाँ कोई पूछेगा कि यहाँ ये क्या कर रहा है तो मेरा सर तो झुक जाएगा ना तुम्हारी वजह से। एक ही औलाद है, मना करूंगा तो मर जाएगा, इसीलिए बोला। क्यों मर जाएगा? इस दुनिया में बहुत सारे लोग मरते हैं, लेकिन हमारे घर की लड़की उस जात में शादी करके गई तो हमारी इज्जत की नीलामी हो जाएगी। भाई भाई, तुम्हारी भी एक लड़की है, अगर उसने प्यार किया तो तुम क्या करोगे? ए, तुम क्या बक रहे हो? अगर मेरी लड़की ने ऐसा किया तो दोनों को बीच रोड पे काट कर रख दूंगा। ए, अपने चश्मे को हटा। छोड़ दा। अरे प्यार नजर मिलाने से होगा, उतारो इस चश्मे को। अरे ये कहां से आ गया? अरे शिवा इधर आ, क्यों इतना जल्दी कर रहा है? चल जल्दी जल्दी चल अंदर चल। ए, अबे मैं दूर से देख के निकल जाता हूँ ना। अबे कितनी बार समझाया है तुझे मैंने, संडे को भी आके जान खा रहा है। आज संडे इसलिए तेरे पास आया हूँ, वरना मैं कॉलेज से देख कर निकल जाता। अरे वो जो देख रहे हो ना, वो है, वही लड़की का घर है। अब तुम इसके साथ करना क्या चाहते हो ये बताओ। मामा कोई तो आया। अरे आने दो ना, कोई भी आ रहा हो तुम्हें क्या? जब देखो उसी की बातें, उसी की माला जपते रहते हो, पागल हो गए हो तुम। अरे बाप रे, कोई कहीं देख न ले। ए भाई, हमारे लोगों ने देख लिया तो तेरी आरती उतार देंगे। ए, 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 अरे बंद करना यार, क्या कर रहा है तू ये? अरे अंदर जाके घर में हमें पढ़ाई भी करनी है यार, क्या कर रहा है तू? ए, तू हमेशा पढ़ाई के बारे में बात करता रहता है, तू फेल हो गया उसके बाद भी बात कर रहा है। अबे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, तेरा क्या जाएगा? हे मामा, जितना करीब से वो सुंदर लगती है ना, दूर से तो और ज्यादा सुंदर लग रही है। ए, मेरे को भी देखने दे तो, ला तो, ला तो, हाथ लाओ ना, मेरे को भी देखने दे। ए, ये मेरी बंदी से मैं पटाने वाला हूँ। अच्छा हाँ हाँ, जा अकेले देख ले पूरा, जा। मामा सुनो, लगता है इसकी बस मिस हो गई है। हाँ तो तुम जाओ, ड्रॉप करके आ जाओ। हाँ तुम उतरो, मैं छोड़ कर आता हूँ। अरे जब इतने सालों से मैं बस स्टैंड पर खड़ा रहता था, तुमने कभी ऐसा मुझे बोला क्या? आज एक लड़की बस स्टैंड पर खड़ी हुई वेट कर रही है तो तुम्हें इतनी चिंता हो रही है उसकी? तुम उतरो ना मामू, बेचारी क्लास के लिए लेट हो जाएगी। ए, सुनो, आज कुछ भी हो जाए तुम उस लड़की से प्यार करते हो ये बात तुम्हें उसे बतानी है, समझे? ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम उसका नाम जानते हो ये तो तुम्हें पता होगा। नहीं मामू ऐसा नहीं। अच्छा नहीं मामू, तो तुम नहीं जानते हो। चलो पीछे बैठो, बैठो पीछे, मैं ड्राइविंग करूंगा, तुम बिल्कुल चुपचाप बैठो, समझे? तुम बिल्कुल मुंह बंद करके बैठना, समझे? उतरो शिवा, उतरो शिवा, चलता हूँ शिवा। छोड़ना। अरे तुम अपने पिताजी को बोलोगे ना शिवा, शाम को फोन करना शिवा, मैं थैंक्स बोलता हूँ पिताजी को, सब कुछ पूछ लेना, खुल के पूछ लेना, शर्माना मत शिवा। अरे अरे सुनिए मैडम, मेरे फ्रेंड शिवा को बुलाएंगे क्या प्लीज? हाँ शिवा, मेरा शिवा, मेरा दोस्त है। ए शिवा, ए शिवा, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें बुला रहा है। हाँ? अब इनकी कहानी शुरू हो जाएगी। तुम्हारा दोस्त जिंदा है, किसी बात से डरना मत, ठीक है ना?
हे, तुम जाके बिंदास नाम बोल कर आओ। अरे थोड़ा टेंशन में हूँ यार। हे, प्यार में ऐसे ही होता है, तुम जाकर बात करो उससे। मैं वहाँ दूर खड़े होकर देखता रहूंगा। अरे मैं हूँ ना, आई लव यू बोल के आ जाओ। हाँ बोलता हूँ। मामा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हे, तुम्हारी वाली आ रही है। अच्छा मैं चलता हूँ, डर लगे तो मोगली मोगली बुला लेना। हेलो माही, एक मिनट बात कर सकते हैं क्या? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। हाँ क्या है बोलो, क्लास के लिए टाइम हो रहा है, जल्दी बोलो। इतने खूबसूरत फेस के साथ पूछोगी तो कैसा चलेगा? थोड़ा सा टर्न करके पूछो ना तो अच्छा लगेगा। देखो जब से तुम्हें देखा है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हूँ। भूख लगती है लेकिन खाना खाने को नहीं होता है, नींद आती है लेकिन सोने को बिल्कुल नहीं होता है। रोज तुम्हें देखने का मन करता है, तुमसे बात करने का मन करता है। तुमसे अगर बात नहीं होती ना, मेरे दिल की हार्टबीट बढ़ जाती है बिल्कुल ट्रेन की तरह। सच में अपनी दोस्तों से पूछा मैंने इस फीलिंग के बारे में, तो बोलते हैं ये प्यार है यार। हाँ? कौन है वो? वो जो वहां खड़ा है, मोगली। हाँ, निमोड़ा, निमोड़ा, निमोड़ा। उसने बोला, इसलिए आई लव यू नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरे दिल से सच में मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे शादी करनी चाहिए मुझे। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे पैरों में गिरकर मैं जिंदगी काट दूंगा अपनी, सच में। हाँ, लव के ऊपर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो वो फीलिंग ही नहीं आती है। मैं जानता था तुम ये बोलोगे, एक बार मुझसे प्यार करके तो देखो तुम यार। सच बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक तुम्हें फीलिंग आने लगेंगी। रोज रोज तुम्हारा दिल से मुझसे मिलने का मन करेगा। मतलब? देखो रामचरण की पहली मूवी रिलीज हुई, हमें वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी ना, फिर धीरे धीरे वो हमें अच्छी लगने लगी ना। ऐसे ही प्यार के मामले में होता है, धीरे धीरे हमें अच्छा लगने लगता है वो। लगता है तुम फिल्म बहुत ज्यादा देख रहे हो। कौन सी फिल्म का डायलॉग है? किसी भी फिल्म में तुम्हें मेरे वाला डायलॉग नहीं मिलेगा। अरे वाह, कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ी है तुम्हें। हाँ। अच्छा कुछ तो बोल के जाओ। अच्छा बताओ मुझे क्या बोलना होगा अभी? आई लव यू बोलना। हाँ, है। बोलो बोलो बोलो। समझ लो कि मैंने आई लव यू बोल दिया, नेक्स्ट क्या होगा? सब लोग जैसे करते हैं मैं भी वैसे ही करूँगा ना, मेरा पहला प्यार है ना। इसलिए मुझे इंटरेस्ट नहीं है, जाके अपना काम करो। अरे बताना क्या बोली वो लड़की। बात तो अच्छे से करी मामा, लेकिन कंफर्म नहीं किया मामा, वेटिंग लिस्ट में छोड़ दिया। हे, तुम क्या ट्रेन का टिकट ले रहे हो वेटिंग लिस्ट में रहने के लिए? क्या बात कर रहे हो यार तुम, हे भगवान। हे गाड़ी निकालो। हेलो माही, एक मिनट, और कितना दिन लेने वाले? घर वालों ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज चले जाओ। हेलो, मैं प्रॉब्लम देख के डरने वालों में से नहीं हूँ, और तुम ये प्रॉब्लम हम की बातें मत करो, बस प्यार के बारे में सोचो हमारा क्या हो। अरे इतनी तेज क्यों बोल रहे हो तुम? अरे आराम से बोला, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है, इसलिए माही माही मैं तुमसे प्यार करता हूँ माही। तो क्या सीरियसली कोई लव नहीं करता है क्या? ये लव वाला टॉपिक ही सीरियस है मेरी माँ। लड़कियाँ टाइम पास के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मैं टाइम पास के लिए प्यार तो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि ये दिल को जोड़ने वाला रिश्ता है ना। देखो तुम मेरी बात को मानो या मत मानो, अगर कल तुम्हारी शादी कहीं और हो गई ना, मैं तुमसे ऐसे ही दिल से प्यार करता रहूंगा। माही देखो, मैं कल तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। आई लव यू, ये सुनना चाहता हूँ मैं तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे दिल से। ए, तूने इसे आई लव यू बोलने की हिम्मत कैसे की? ए, रुक जा, अभी प्यार का भूत उतारता हूँ इसका। एक लड़की से डायरेक्टली प्यार की बात करके तुमने ऐसे बोल दिया जैसे कोई फिल्म है ये, और आई लव यू बोल दिया। अरे उस वक्त बहुत डेयरिंग था मेरे अंदर, इसलिए डायरेक्टली बोल दिया। मणिरत्नम का सिनेमा नहीं है ये कि ऊटी और कश्मीर में ऐसा होगा, ये गांव है हमारा, शहर नहीं है कोई। यहाँ तो तुमने पब्लिक में ऐसा किया तो ऐसे ही करेंगे लोग, बहुत पिटाई करेंगे। हाँ? hey, आगे से हम उस लड़की के पीछे नहीं जाएंगे। हाँ। हमारी लाइफ रिस्क में पड़ जाएगी। hey, कल आऊंगा ऐसा बोला मैंने यार। अरे ये पागल हमारी परेशानी समझ नहीं रहा यार। hey,
एक बार उस लड़की को आई लव यू बोलने दो, उसके बाद उन्हें देखता हूँ मैं। क्या करोगे, क्या कर लोगे तुम? हे, उठाकर लेकर चला जाऊंगा, फिर शादी कर लूंगा, पूरे शहर में अपने बच्चों के साथ घूमूंगा मैं। हे, क्या बात कर रहे हैं? हम जैसा सोच रहे वैसा नहीं है, ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है। मामू सिर्फ कल के लिए आ जाओ ना, बाद में मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, सिर्फ कल के लिए आ जाओ मामू, प्लीज आ जाना। यार मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे अचानक ये बिना बादल के बारिश क्यों हो रही है? हे, अगर आज वो लड़की इस रास्ते पर आई ना, मतलब वो मुझसे जरूर प्यार करती है। अगर नहीं आई, अगर नहीं आई तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ मामू? हे, देख उधर। अरे मामू तुम बहुत किस्मत वाले हो मामू, सच में तुम सुपर हो यार। आ जाओ ना, आ जाओ। माही माही, अगर सीरियस में प्यार करती हो तो बोल दो ना। आज का दिन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, निकलो। ज्योतिष से पूछकर बोलोगी क्या? अरे अभी समय सही नहीं है, निकलो यहाँ से। कल जो समझाया समझ में नहीं आया, आज तो फिर इसके पीछे पड़ा हुआ है। ए, तेरे को बहुत चढ़ भी चढ़ गई है क्या रे? माही तुम निकल जाओ, शिवा बच के भागो जल्दी। माही तुम निकलो। ए, जल्दी आओ। अरे किलर चाल छेड़ता है। मारो साले को, मारो साले को, छोड़ेंगे नहीं। मारो साले को, मारो साले को। आज सबक चल दिखाते हैं। मारो साले, हमारी जात के लड़के मारो साले, छोड़ेंगे नहीं। मारो साले को, मारो साले को, मारो साले को। रुक भाई, क्या हो रहा है? ए, क्या हो रहा है? ये हमारी लड़की को प्यार के नाम पे टॉर्चर करता है। ए, तो चुप कर, इसे बोलने दे। ए, मैंने टॉर्चर नहीं किया है, प्यार करता हूँ और शादी भी करूंगा। लड़की भी तुझसे प्यार करती है? ए, बंद करो ये बकवास और उस लड़की को बुलाओ। सिस्टर, क्या तुम इससे प्यार करती हो? माही, बोलो इनसे। देखिए भाई, हम इतने लोग खड़े हैं फिर भी ये नहीं डरता, इसीलिए शायद माँ बाप ने अपने बच्चों को कॉलेज भेजना बंद कर दिया है। मैंने डरने वाला कोई काम नहीं किया है, बस प्यार करता हूँ मैं। ए, चुप रहो। सिस्टर, क्या तुम इससे प्यार करती हो? जल्दी बोलो। नहीं तो। तुम जाओ। ए, छोड़ क्या? हाँ, चलिए चलिए चलिए, आप चलिए। दोबारा इसके पीछे दिखाना तो काट कर रख दूंगा। चल। ए, तुम तब भी जाओ। अरे कोई है क्या? अरे जल्दी जल्दी आ, जल्दी आ। भाई कौन हो? मैं खोलता हूँ। अरे जल्दी जल्दी करो, खोलता हूँ। कौन हो तुम लोग? हम किधर हैं? ये जंगल है, तुम लोगों को कोई बांध के चला गया था। ये कौन है? ए, तुम कौन हो? अरे इसको भी यहीं बांध के रखा था। ऐसा है क्या? अरे संभल के, अरे संभल के, संभल के उठो। अरे तुम क्यों मेरे साथ हो? तुम्हें लेकर कौन आया यहाँ? गांव कौन सा है? राज जब मैं घर के बाहर निकला था तो मुझे किडनैप कर लिया सर उन्होंने। वैसे तुम्हारा गांव कौन सा है? कोप्पन के पास रहने वाला गौतम गांव। अरे वो गांव तो मेरे पास है, मेरा लक्ष्मीपुरम है। तुझे किसने किडनैप किया? अब जिसने किडनैप किया है उसे पता होगा ना, मुझे कैसे पता होगा? तुम लोगों के पास फोन वगैरह है क्या? फोन तो है, रिचार्ज खत्म है। इधर से बाहर जाने का रास्ता है क्या? हाँ, इस तरफ एक रास्ता है, मेरे पीछे आइए। आइए अब। ज्यादा दूर नहीं है, चलते रहिए। कितना दूर जाना है? थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। जंगल ही जंगल है। तुम क्या कर रहे हो? मैं सही निकालता हूँ। अब मैं बांध देता हूँ, आराम मिल जाएगा अभी। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जल्दी करो। ये लो ये लो, ये लीजिए औषधि।
इससे कुछ नहीं होने वाला, अगर कोई पास में अस्पताल है तो लेकर उठ के चलने लगेंगे, सब्र करो थोड़ा। सच में कुछ नहीं होगा ना? औषधि लगा दिया है, ठीक हो जाएंगे, विश्वास कीजिए। वाओ, हे वाह, देखो यार घर मिल जाए तो मजा आ जाए। मेरी नजर से मत देखना, तुम्हारी बाबी है यार। मेरे तो नियत ही खराब है। देख लो, एक ऐसा लगता तीज भागता है, सेल्फी लेनी है, फोटो निकाला, क्यों नहीं बताता हूँ, थोड़ा आगे आओ, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा पीछे पीछे, हाँ और पीछे, ओ हाँ, अरे भागो यार, अरे उसे उठाओ, थैंक यू चलता हूँ। एक किस दो, दीदी कैसे हो आप? अच्छा। हेलो मामा, वो लड़की मेरे घर के सामने ही आई हुई है, जरा आ जाओ ना मामा। अरे मेरी परिस्थिति क्या है तुम जानते हो ना? इसमें से हमें इतना अभी लेना है, बाकी जो बच्चे का ना वो शिवा से बात करें। सुनो शिवा, उस चेयर को जरा इधर लेकर आओ। हाँ मैं लाता हूँ। ठीक है चलिए आ जाइए ना, मैं ले आता हूँ। ओके बाय। हेलो आंटी। हाँ लेकर आता हूँ पिताजी। लगा तो नहीं, गलती से हो गया। अरे सॉरी। देखो वहाँ, वो मेरा घर है वहाँ पे। गलती हो गया यार। शिवा। हाँ माँ। ये देखो मेरा बेटा है शिवा। हाय। हाय आई एम प्रिया। क्या करते हो तुम? अरे उससे तुम क्यों पूछ रही हो? इंटर में केमिस्ट्री का एग्जाम 6 बार लिखा है, 1 बार भी पास नहीं हुआ। माँ मेरा बैग लगता वो। अरे मेरा मतलब 6 बार लिखा कि अच्छे से इम्प्रूव होगा, इसलिए मैंने ऐसा कहा। आप भी ना। आंटी, आंटी। हाँ। ओ किचन में हो आप? हाँ यहीं पर। क्या कर रहे हो आप? खाना बना रही हूँ। क्या आंटी, विलेज के लड़के अभी तक सो रहे हैं, ये कुछ काम नहीं करता क्या? जानती हो आंटी, शहर के लड़के अभी तक उठकर जॉगिंग पर चले जाते हैं।
हमारे समय में बच्चे लोग सुबह सोते रहते हैं और बड़े लोग सुबह उठकर सारा काम करते थे, लेकिन अभी स्कूल जाने के लिए बच्चे लोगों को जल्दी उठा देते हैं और बड़े लोग बिना काम धंधे के सोते रहते हैं। ओके आंटी, मैं जॉगिंग पे जा रही क्यों रही हो? लुंगी और हवाई चप्पल में कौन जॉगिंग करता है? हेलो, तुम्हें लुंगी को देखकर ऐसे हंसना नहीं चाहिए। हम लोगों की लुंगी से ही तुम लोगों की नाइटी बनी है। क्या तुम एक बात जानती हो, लुंगी डांस को लेकर ही चेन्नई एक्सप्रेस सुपर डुपर हिट हुई थी। अपने एनटीआर को थिएटर में सीटियां मिलती हैं, तालियां मिलती हैं, लोग चिल्लाते हैं क्योंकि वो लुंगी पहनकर आता है ना, इसलिए। और जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो तुम्हें भी एक दिन उड़नी उड़नी पड़ेगी। ऐसे ही हम लोग लुंगी पहनते हैं, ऐसे ही गाँव में हम लोग घूमते हैं, अपना स्वैग राउडी ऐसे ही। I can understand. चाहो तो तुम भी ट्राई कर सकती हो। मम्मी, ये लुंगी डांस बहुत अच्छा लगा ना, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? अरे वो भी, और उसमें भी बचपना है, तुझे वो नचा रहा है। जाकर तुम ड्रेस पहन के आओ, ऐसे बाहर जाएगी तो लोग हंसेंगे। शिवा तो ऐसे ही बोलेगा, उसको क्या काम है। क्या खाना बनाया आंटी? इडली बनाया, तुम भी आकर खाओ। आंटी, गाँव के लड़के बिना काम के कैसे रहते हैं, कोई काम नहीं करते क्या? अरे शादी होने तक ये लोग ऐसे ही है, कुछ भी बोलो सुनते ही नहीं है। अगर इनकी शादी हो जाए तो समझो बीवी चार बार टोकेगी, तब जाकर इनकी अकल ठिकाने आती है। ऐसा है क्या? बोले तो सिटी के लड़के आंटी हमेशा जिम में रहते हैं, कुनफू, कराटे, एक्टिंग, डांसिंग, ये सब करते हैं खुद को साबित करने के लिए, तभी तो लड़कियां उन्हें पसंद करती हैं। हाँ। यार मेरे अंदर एक भी ऐसी क्वालिटी नहीं है, उसे पटाऊं मैं कैसे, समझ यार, रोज क्यों हमें ऐसे परेशान करते हो? ऐसे नहीं, ऐसे 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 ये पैर पीछे, बंद करो, ऐसे फंसाओ, प्रैक्टिस करते हैं। ए यार,
यार, अरे बैठ जा नीचे भाई, कितना थकाएगा तू हमें, बैठ जाओ ना, हम थक गए हैं यार, हमारे अंदर और ताकत नहीं बची है, बैठ ना भाई नीचे, हमसे है सब झूठ है, सब ठीक है मुझे, ये देखो आगे हिटमैन है, किसी को भी हरा देगा, ये देखो हिटमैन है, सच में हिटमैन है, देखो मैं तो थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा अब ये सब। शिवा आज मास्टर नहीं आए? अरे मास्टर की तैयारी भी फेल हो गई क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैयारी कर रहा हूँ। सिटी में तो ऐसे प्रैक्टिस नहीं करते, अलग तरीके से करते हैं। ए रुको मामू, सिटी में बॉयलर मुर्गी मिलती है और यहाँ पर देसी है, इसकी बॉडी शॉडी देखो तुम, वेरी स्ट्रॉन्ग, ये देखो इसको ट्राई करो। मामा तुम चुप रहो, तुमने देसी मुर्गी खाई है, इनको पता चलना चाहिए, आप शुरू करो, 1 2 3 स्टार्ट। शिवा वन चांस ना, शिवा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बॉडी है। प्रिया आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरे गुरु तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ट्राई करके देखो, ये और स्ट्रॉन्ग है, हां लो इसे ट्राई करो, बाबू रुको, ओह वेरी गुड, और मस्त हो, मुझे मारने के लिए तुम्हारे सिर में कम है, तुम जाकर जॉगिंग कर लो। ऐसा है क्या? अब देखो कल भी यही प्रैक्टिस करना। नहीं 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 प्रिया, हम एक हफ्ते प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्या बात है श्रीमती जी, आज का सलन तो बहुत ही बढ़िया था। क्यों बेटा? हाँ पिताजी, मेरे प्रोग्राम का अब टाइम हो रहा है। ओके पिताजी, मैं जाकर आता हूँ। माँ ये कैसा सालन बनाया तुमने, कुछ नया सीखो ना, कुछ मेरे लिए कुछ टीवी पे देखो ना, जाके सीखो कुछ। अभी अभी तो अच्छा खाना बोल कर गए। ठीक है ठीक है ठीक है, रोजा के घर में जाओ, कुछ सालन होगा, मेरे लिए कुछ खाने का लेकर आओ ना माँ। ठीक है माँ। अब क्यों उसे जबरदस्ती तंग करने जा रही हो? माँ जो प्रिया है ना उसे खाने को बोलो ना, वो वैसे भी खाली बैठी है। ठीक है। प्रिया 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 सुपर है, माइंड ब्लोइंग, मैंने बनाया तो और सुपर। जरा हटो इधर आओ, मैं भी देखती हूँ। अरे नमक नहीं है, तीखा नहीं है, मेरा खाना अच्छा है, ये तुम्हारे पिताजी मुझे बोल कर गए हैं, और तुम ऐसा बोल रहे हो, मौके हाथों का खाना बोर लग रहा है, लो पूरा ठूस लो, ठूस लो नालायक। हेलो भाई, कहाँ है तू यार? अरे घर के पास हूँ मैं। हाँ तू घर के पास क्या कर रहा है? प्रिया और उसकी फैमिली मंदिर आए हैं। ऐसा है क्या? जल्दी आया। ओके ओके मैं आता हूँ, चल। आज मेरे बेटे के जन्मदिन है पंडित जी। दस्याम सुभद्रो, गोत्र क्या शंकर, है शंकर 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 नाम शंकर, शंकर हाँ। रोजा 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 नोमनी, प्रियंका नोमनी, जैसी महानोमनी, संतोष नोमनी, दस्या सदैव तथास्तु, प्रिय जन्म दिवस शुभेच्छाहम संपूर्ण मनोरथो भूयायम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमस्ते जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमस्ते जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाय हाय हाँ जी, एनआरएल ले लीजिए, भगवान को अर्पित कर दो। नारियल फोड़ना है क्या? मैं फोड़ता हूँ। क्या हो गया तुझे?
दर्द हो रहा क्या? अरे मामू, उस लड़की को आई लव यू बोल दिया क्या? बोला मामू अभी तक। लेट मत करना, उसके बिहेव से मुझे ऐसा लगता है 100% प्यार करती है तुझसे वो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यार। प्रिया का फोन है मामू। फोन उठा, फोन उठा उसी का है। कुछ भी करके आई लव यू बोल देना यार इस बार प्लीज। हां जल्दी उठा। हेलो हेलो शिवा, किधर हो तुम? फ्री हो ना? हां प्रिया बिल्कुल फ्री हूं मैं। अभी तक मूवी नहीं देखा? हाँ आता हूँ ना, साथ में चलते हैं प्रिया। ओके 5 मिनट्स। ए मामू, प्रिया फिल्म देखने के लिए बुला रही है। एक मिनट, कोई और बकवास नहीं। कुछ भी करके आई लव यू बोलना है, आई लव यू बोलना ही है। हम ना पार्टी करेंगे पक्का। कब का बोलूंगा? चल जा जा यार, जा जल्दी जा। बाय। हाँ भाई, शिवा आ रहा, मजा आएगा। शिवा को आज फिल्म देखने के लिए बुलाया है, आज वर्कआउट हो जाएगा यार। हे hey, क्या हुआ तुझे? थैंक्स शिवा सिनेमा आने के लिए। It's okay. चलो आओ ना। हाँ हाय, कम कम। या आई एम कमिंग। हाय डार्लिंग बेबी। शिवा अजय, अजय ये शिवा माय फ्रेंड। हे तुम पीछे बैठो, मैं आती हूँ। yep. अच्छा अच्छा, कैसा वो? बस ठीक है। मेरे ऊपर मरता है, मुझसे मिलने हैदराबाद से आया है। एक्चुअली में हम दोनों प्यार करते हैं, क्या तुम्हें पता है? वो 1.5 लाख पर मंथ कमाता है। बहुत अच्छा, लाइफ लॉन्ग मैं खुश रहूंगी। उससे मिलके 1 हफ्ता हो चुका था, इसीलिए मैंने उसे बुला लिया। सुनो तुम 1 मिनट रुको, मैं मिल के आती हूँ। थैंक यू शिवा, सो क्यूट, बाय। ऑलरेडी किसी से प्यार करती है क्या? हाँ यार। अरे हाँ, उसका पहले से ये सेट था, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। हमें पहले ही ये बात पता कर लेनी चाहिए थी। ठीक है ना यार, किसी का प्यार तो सक्सेस है ना। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हे भगवान ने हर लड़के के लिए एक लड़की को पैदा करके रखा है, ऐसे मेरे पिताजी बोलते हैं। इसलिए उस लड़की की किस्मत में मेरे जैसा लाइफ पार्टनर नहीं है यार। तुम्हें ऐसे ही कोई लड़की थोड़ी ना मिल जाएगी। तुम्हारे पास कोई डिग्री विग्री है क्या? अरे अरे मामा रुको। सॉरी मामा, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, फ्लो फ्लो में निकल गया। मामू, जो आप फ्लो में बोलते हो वो सच होता है, और जो सोच समझ कर बोलते हो वो झूठ होता है। और आप सही तो कह रहे हो, जब तक मैं अपनी डिग्री नहीं करूंगा तब तक किसी लड़की से प्यार नहीं करूंगा। शिवा तुम सुपर हो यार। चलो चलते हैं यार। चलो यार। क्या हुआ यार? अरे ये क्या? अरे क्या हुआ? हे ये क्या हो रहा है? रुक ना मेरे लिए। आजा आजा, देख क्या है। मामा देखते, चल इधर आओ। हाँ देखते इधर। चल क्या हो गया? ये क्या हुआ? भीड़ क्यों हुई है? अरे ये भीड़ किसने? चलते जा, एक मिनट रुक ना यार। हाँ क्यों देखते हैं। अरे यार ये अपना मुनी है। मुनी, अरे मुनी अपना मुनी है। बेटे को क्या है भैया? मुनी क्या हुआ है? मुनी क्या हुआ? मुनी का देखो देखो देखो, तुम्हारे दोस्त को, मेरे बेटे को, मेरी जवानी में मर गया, मेरा क्या होगा? अरे ए बेटा बेटा, उठ जा बेटा, उठ जा, क्या होगा भगवान मेरा? पिताजी इसे आपने मारा। अरे भगवान, अगर उस दिन से आप बाहर बैठती होते ना
तो ये जिंदा होता, खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा होता पिताजी। अरे इसकी जिंदगी अच्छे से बीते इसलिए मैंने ऐसा किया था। इसकी कॉलेज में मैं एडमिशन भी करा के आया हूँ आज इसका। अजी आप जो बोलते थे वो करता था, उसने आपके काम को आज तक ना नहीं बोला। नहीं सोचा था कि ऐसा आपको जो पसंद था उसने वो किया पिताजी, उसने अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी। अब शिवा केमिस्ट्री में पास होगा और हमारा नाम रोशन करेगा। कौन है इतना दूर मुझे लाकर छोड़ कर चला गया है? बस एक बार हाथ लग जाए। वैसे सर आपने कभी किसी से प्यार किया है क्या? ए, चुपचाप चलो। अरे कुछ तो बात करो ना सर। अरे शहर वाले, कभी तो जिंदगी में आपने किसी को चाहा होगा? अरे चाहने का, चाहा था किसी को, अब तुम समझ लो। कमल के सिर्फ अपनी जात वाली को चाहते थे या किसी और जात वाली को भी चाहते थे आप? हाँ दूसरे जात के लोग भी थे। कभी आपने दूसरी जात वाली से शादी करने का सोचा क्या? हाँ उनमें से एक से शादी करने के लिए मेरा दिल भी किया था। मालिक मालिक यहाँ से जल्दी निकलते हैं, ये नक्सल एरिया है। हाँ चलिए 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 निकलिए चलिए जल्दी चलिए चलो 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 जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से निकलो जल्दी 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 करो चलो 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 जल्दी यहाँ से निकलिए, खतरनाक है, जल्दी निकलिए, छोड़िए उसे, आइए जल्दी हमारे साथ, जल्दी जल्दी आइए जल्दी 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 चलिए इस तरफ जल्दी आइए मेरे पीछे आइए जल्दी 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 यहाँ पत्थर के पीछे ए, कौन है ये लोग? मालिक ये नक्सलवादी लोग हैं, इन्होंने सुबह को मार दिया, ये हमें भी नहीं छोड़ेंगे, जल्दी मालिक हमें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए वरने हमें भी मार देंगे। ऐसा क्या, तुम लोग सब जानते थे तब भी इधर आए? इस बारे में हम आपको पहले ही बताना चाहते थे लेकिन मालिक यहाँ नीचे गिर गए, इस वजह से ये गड़बड़ हो गई। अरे बाप रे, मुझे माफ कर दो, अब ये मुझसे नहीं होगा, इधर ही मर जाने दो। मालिक अगर हम सुबह को लेकर गांव में नहीं गए तो लोग हमसे पूछेंगे हम क्या बोलेंगे। मालिक मालिक बचा लीजिए। तुम सब इधर ही रुको, मैं उसकी बॉडी को लेकर आता हूँ। रुको इधर, रुको रुको भाई, भाई मैं बचा लूँ क्या भाई? हुआ साहब? वो देखो आ रहा है। भगवान ये क्या हो गया? सुनिए इसे आप लेकर जाइए, हमारे मामले को हम देख लेंगे। इसे आप लेकर जाइए चलो।
बाहर के लोगों को बुलाकर हमारे स्टूडेंट्स को मारते हो? वो लोग उस लड़की को टॉर्चर कर रहे थे, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ा। हम चाहते हैं कि आप इसे सपोर्ट करो। ऐसा है क्या? लड़की का मामला है? दोबारा मुझे इस मैटर में जिंदगी में मत बुलाना, तुम लोग समझ गए ना? कोई और बहाना देना मुझे बुलाने के लिए, समझ लो इस बात को। भाई वो लड़का उससे सीरियसली लव करता था। लड़के ने अगर सीरियसली लव किया तो लड़की सीरियसली रिजेक्ट करेगी, इसलिए मैं लड़की के मामले से दूर ही रहता हूँ। ए निकल चल। मैं आई कम इन सर? यस कम इन। शिवा इतना लेट क्यों हुआ? बाइक पंचर हो गई थी। क्लास बहुत पहले ही शुरू हो गया था, इतना सारा लिखा दिया है, जाके नोट कर लो। हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन है, हम लोग उसी से सीख लेंगे। ए, तुम लोग ऐप में क्या देखते हो ये मुझे सब मालूम है, ठीक है? अभी क्लास पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है सर। अच्छा और एक बात सुन लो, आज हमारे इस क्लास में एक नई लड़की ज्वाइन करने वाली है। कौन है वो सर? हैं? अबे लड़की है वो। क्या सर, वो लड़की कौन है यही तो पूछ रहा हूँ। ए तुम कौन से सेंस में पूछ रहे हो, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, संभाल के रहो तुम लोग वरना पछताना पड़ जाएगा। भाई बैकग्राउंड तो तगड़ा बता रहा है। बैकग्राउंड बोला तो वो नहीं, उसके पिताजी का बैकग्राउंड है यार, तुम पागल हो। अपना नाम लाइन से बता, शांति रखे। सब लोग एक एक करके अपना नाम बताओ। पहले मेरा लिख देना। अरे ये क्या हो रहा है, क्या कर रहा है? देख रहे हैं हां, शिवा क्या बात कर रहा है? मुझे भी अपना नाम लिखाना है क्या? चुप करना है यार, देखना काम है। अरे यार हां अरे रुक जाओ यार। अरे उष्माकर नाम से तो हमारे क्लास में कोई भी नहीं है। हेलो, बीकॉम फाइनल ईयर का क्लास किधर है? ए किधर है? ओके थैंक्स। एक्सक्यूज मी सर। कम इन। स्टूडेंट्स इससे मिलो, ये संध्या है। संध्या आओ बैठ जाओ। थैंक्स। लेट्स कंटिन्यू द क्लास। ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू द क्लास टुमारो। ओके बाय। मेरा नाम कालू है। लाइन में क्यों नहीं आता? ये छोड़ना है क्या छुपी? ये मुझे सवाल समझ में। कौन है वो? उसका नाम है शिवा। लड़की तो उसे जरा भी पसंद नहीं। बहुत सारी लड़कियां कोशिश करके देख चुकी हैं, लेकिन माही उसे 3 साल से लव कर रही है। उसके अलावा वो किसी को भाव नहीं देता। ए, अपने को डर जाने देना है। हाय, गुड मॉर्निंग। अरे मैं इधर हूँ। देखते देखते ये साल भी लास्ट फाइनल ईयर आ गया। हेलो, ए किधर चली गई हो तुम? इधर आओ। हाय, आई एम संध्या। लेकिन क्लास में बोला था ना। हेलो, तुमने मुझे थैंक्स नहीं बोला। थैंक्स किसके लिए? हाँ, जो तुम पढ़ रहे हो ना वो डिग्री मेरी दी हुई भीख है। क्या तुम्हारे पिताजी मेरे सेमेस्टर की फीस भरते हैं क्या? एक बार सोच कर तो देखो, अच्छे से देखो मुझे। हाँ लड़की जैसी दिख रही है। देखो बोलो तो ऐसे नहीं, अच्छे से सोच कर देखो। हेलो सीनियर सिटीजन,
ये वर्ड कहीं तो सुनाऊं। शिवा, स्लिप के बिना क्वेश्चन का आंसर लिखो। नहीं सर, बहुत मेहनत करके सर मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ा था, अभी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है सर। सिर्फ क्वेश्चन को ही पढ़ा था या आंसर भी पढ़ा था? आंसर भी पढ़ा था ना सर। बुक्स में जो है वही इम्पोर्टेंट है। इस बार तुम पास नहीं हुए तो तुम्हारा चैप्टर क्लोज है, नेक्स्ट ईयर सिलेबस बदल जाएगा। कुछ तो लिखो। ए, ए, जरा पेपर देना, मैं लिख लेता हूँ। मैं खुद क्वेश्चन पेपर कॉपी कर रहा हूँ। हेलो सीनियर सिटीजन, इसे देखकर लिख लो। मैं लड़कियों का पेपर देखकर नहीं लिखता हूँ। अरे इसमें कोई कमी नहीं है, जो भी करेक्शन करते हैं उन्हें नहीं पता है, तुम ले लो कोई बात नहीं। अरे नो नो नो, तुम्हारी ओवर एक्टिंग बंद करो, चुपचाप लिख लो वरना पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। कोई बात नहीं लिख लो। तो फिर किसी को बताओगी नहीं ना? ए संध्या बोले तो सीक्रेट, सीक्रेट बोले तो संध्या, लिख लो। थैंक्स। अनु पहले मैं, अनु एक चिट निकालो। हाँ चलो ठीक है, ये सही है, निकालो। अब तुम जाओ। गटप्पा। सॉरी सॉरी, ये बात किसी को बोलना मत। उधर ही वेट कर रही थी मैं, बिना देखे निकल गए, थैंक्स तक नहीं बोला मुझे। ओह सॉरी, मैं भूल गया था ना, थैंक्स। ए किसे चाहिए तुम्हारे नकली थैंक्स? ए प्लीज, तुम्हारा हाथ पकड़ कर बोलो, जो तुम बोलोगी वो मैं करूंगा। ठीक है ठीक है, जब तक मेरा मूड नहीं ठीक होता तब तक रोज मुझे थैंक्स बोलो। ओके ओके ओके, बाय। ओए अरे बोल। थैंक्स। ओके ना। मैं जो पढ़ रहा हूँ वो डिग्री तुम्हारी दी हुई भीख है, थैंक्स। ऐसे हंस कर बोलना है। ओके ऐसे ही बोलता हूँ मैं। वो आ रहे हैं भाई, ये बताना है थोड़ा सा यार, ये डाउट है ना। हाँ ये वाला समझ में नहीं आ रहा है। क्या भाई आजकल चेहरे पे बड़ी चमक है तेरे हैं? अरे कुछ नहीं है मामू, इस एरिया में तो कोई नहीं है, बाहर जाऊंगा तो सब लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। ये लो। नहीं नहीं, बोल के मेरा ही नाम निकला इसमें। कॉन्ग्रेट्स भाई, सुपर यार, मजा आ गया। ये क्या कमाल कर दिया। बिरयानी तू खाए और बिल मैं दूं, हट। ये क्या है? इसी का नाम आया ना? अरे क्या है, अम्मा अम्मा हमें ये खाना कौन देता है? उस भगवान ने दिया है। और मुझे? तुझे भी उस भगवान ने दिया है। हाँ सब कुछ तो भगवान ने ही दिया है, शंकर भाई तो इस घर में डमी है। बच्चे लोग के सामने कैसे बात करने गए, तुम्हें नहीं पता? मैं तो यार सच बोलता हूँ बस। हाँ, चल भाई, चल। अम्मा ये डमी का मतलब क्या होता है? मैं जिस डिग्री को पढ़ रहा हूँ ना वो तुम्हारे बाप की दी हुई भीख है। अरे मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, इतना बोलने के लिए इतना दूर आए हो, ये तो क्लास में भी बोल सकते थे। अगर क्लास में बोलता तो मेरी इमेज का क्या होता, इसलिए यहाँ एकांत में लेकर आया हूँ। इट्स ओके, आज के दिन मैं जिस डिग्री को पढ़ रहा हूँ वो तुम्हारे बाप की दी हुई भीख है। मैं कह रहा था ना ये उससे प्यार करता है, ये तो तुम्हें भाव तक नहीं देता है। अरे छोड़ो उसे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये प्रताप रेड्डी की बेटी संध्या, ये कॉलेज में शिवा की क्लोज फ्रेंड है। कॉलेज में? हाँ देखता हूँ। हेलो संध्या, मैं सुब्बा रेड्डी।
साइंस ग्रुप में फाइनल ईयर में हूँ मैं। जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मैं शादी करने का सोच रहा हूँ। So, why are you telling to me? क्या? जिससे शादी करने वाला हूँ बस उसको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तुमको पहली नजर में देखते ही मैंने फिक्स कर लिया था, शादी तो सिर्फ तुमसे करूंगा। आई लव यू। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। नहीं, मुझ में इंटरेस्ट नहीं है या लव वव में इंटरेस्ट नहीं है? गेट लॉस्ट इडियट। जाती कहाँ है? रुक। मैंने बोला था मैं लड़कों के मामले में नहीं आता हूँ। अगर कोई लड़की को छेड़ेगा तो मैं चुप बैठूंगा क्या? अगर दोबारा इस लड़की को छेड़ने की कोशिश की तो जिंदा गाड़ दूंगा तुम सबको, याद रखना ये बात। ए, लड़के को लव स्टार्ट हो गया। क्रिएट अ कंपनी इन टैली। सर, हाँ? एक अर्जेंट काम के लिए जाना है, जाऊं सर? अटेंडेंस हुआ नहीं और बाहर जाने का प्लान पहले बन गया। बाहर जाना है तुमको, सस्पेंड कर दूंगा मैं, समझे? बैठ जा। यार, पता नहीं कैसे पढ़ेंगे, जब देखो बाहर जाने का प्लान बनाते रहते हैं। पता नहीं एग्जाम कैसे पास करेंगे ये लोग। अरे मैं जाता हूँ, तुम लोग आ जाओ। हेलो हेलो हेलो, तुम बिना परमिशन लिए क्लास में कैसे आ रहे हो? हाँ सर, सर आपने पता नहीं था सर मुझे। सॉरी सॉरी सर, सर मैं जाता हूँ। आने दो इसे अंदर, क्लास में बैठना ही नहीं दूंगा। एक तो लेट आता है, ऊपर से बिना पूछे। आने दो इसे, वापस घर भेज दूंगा। यस कम इन। ए जाके देखो तो। हाँ देखता हूँ सर। सर यहाँ तो कोई नहीं है। मामू थोड़ा बूस्ट अप करने का, मुझे मेरा ख्याल रखने का। अरे हम लोगों में उसी ने उस लड़की को पटाया है। सुपर है यार, हमारे फ्रेंड की तरफ से तोहफा है। ये तो अच्छा है। अरे पूछ मत यार। अरे क्या यार, तुम लोग सब मुझे मुबारक देने के लिए वेट कर रहे थे? कांग्रेट्स यार, ये तुम्हारे लिए। ये गिफ्ट है, संभाल कर। ये ले, ये फूल भी तुम्हारे लिए। सुनिए सिस्टर, इसने आपसे मामूली वाला प्यार नहीं किया है। ये जब भी सोएगा जागेगा हमसे मिलेगा आपके बारे में बात करता रहेगा, बस हमेशा आपके बारे में। हम सबको पता है कि आपको आइसक्रीम पसंद है, इसलिए संजू संजू बोल के हम सबको पूरा दिन बुलाता रहता है ये। अरे और हम सबको मारता भी था। पूछो पूछो, सही बोल रहा, सही बात है। कुछ भी बोल। अरे कमीने, तू कभी नहीं सुधरेगा। अरे तू पागल है क्या, कुछ भी बोल रहा है, ब्रेकअप कर, डालिंग को। मैंने क्या गलत बोल दिया? अरे गीता सुनो, बड़ी मुश्किल से एक लड़की पटाया था, उसको भी भगा दिया तूने। ए तू किस लड़की से प्यार करता है मुझे कैसे पता होगा? तू हमेशा संजू संजू का नाम लेता रहता था ना। ये सब पहले ही बताना चाहिए था, दोस्तों से कुछ छुपाने का नहीं। दिमाग ठंडा रख यार, पानी पी ले। हेलो गुरु। हेलो। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे मुझे नहीं पहचाना आपने। अरे याद करिए, अकेले बैठ के दारू पी रहा, लगता है बेचारे का दिल टूटा। हे क्या हुआ ब्रदर? लव फेलियर भाई, एक लड़की थी उसे मैं बहुत प्यार करता था, सीरियस वाला लव, लेकिन वो मुझे धोखा देकर चली गई। अब मैं सारा दिन बैठ के उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा। आप कुछ करो अन्ना प्लीज। तुम सिंसियरली उससे प्यार करते हो, ये जाकर तू लड़की को बोल दे, वो जरूर एक्सेप्ट कर लेगी तेरे प्यार को। अरे लड़कियों को भी यही पसंद आता है यार, जो लड़की हिम्मत दिखाकर अपना प्यार इजहार करते हैं ना, लड़की हमेशा उनके साथ रहती है। तू जा और जाके आई लव यू बोल दे। गुरु सुपर, आपने जैसे बताया था ना, मैंने वैसे ही प्रपोज किया और मेरा लव सक्सेसफुल भी हो गया। थैंक्स गुरु, आप मेरे प्यार के लव गुरु हैं। लव गुरु। या ओके, थैंक यू ब्रदर।
ऐसा ही है मेरा स्टाइल, में हमेशा लव का साथ देता हूँ। गलत एडवाइस देके कभी लड़के को इधर उधर नहीं भेजता हूँ। आज तुम्हारी वजह से मेरे दोस्तों को पता लग गया कि मैं क्या चीज हूँ यार। तू मुझे देख के क्यों बोल रहा है? अच्छा गुरु मैं चलता हूँ, आपको डीप डिस्कशन की जरूरत है मुझे लगता है। वैसे तू मुझे बताएगा कि वो लड़की है कौन? पता चलेगा, सब पता चलेगा डायरेक्ट शादी में। थैंक्स गुरु, मैं अब चलता हूँ। थैंक यू, जाओ 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 निकल, बाय, अपना ख्याल रखना। ए तेरा ही गलती था, अब समझ में आया क्या तुझे? डैडी स्टॉप स्टॉप स्टॉप, सुनो सुनो, संध्या किधर जा रही हो तू? तो अभी आया, मुझे पता ही नहीं है यार, गाड़ी वाले की तरह से पूछ रही है। ये बाइक से जो आया था वो किधर गया, क्या हुआ उसके साथ? बहुत जवान लड़का था, अभी अभी एम्बुलेंस लेके गई उसे बेचारा। क्या बात है, बहुत घबराई हुई हो? डैडी आप जाओ, शिवा का एक्सीडेंट हो गया, मैं उसे देख कर आती हूँ। अरे फंक्शन के लिए लेट हो रहा है और तुम शिवा शिवा कर रही हो? अचानक मेरे क्लासमेट का एक्सीडेंट हो गया और आप फंक्शन की बात कर रहे हो? अरे वो कोई तुम्हारा रिश्तेदार है, मर रहा मरने दो। अरे गाड़ी में आके बैठो, मैं मिलकर आती हूँ। पहले आकर बैठो। अरे संध्या कितनी घमंडी हो गई, ए तुम चलो, बोलने से सुनती भी नहीं है। शिवा किधर हो तुम? कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे क्या होगा, देखो मैं बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ। तुम्हारे जैसे बाइक का रोड पे एक्सीडेंट होके गिरा है, ये सोचकर टेंशन में आ गई थी। थैंक गॉड। कहाँ देखा था? तुम्हारे बाइक नंबर को भी मैंने देखा था। अच्छे से सोचो। एक्चुअली तुम्हारा बाइक नंबर 1529 ही याद रहा मुझे, इससे पहले तो नहीं जानती थी ना। थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? शिवा तुमने किसी से प्यार नहीं किया क्या? हाँ किया है ना प्यार, लड़कियों को देख के लगता है कि वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन जब तुम उस पे भरोसा करोगे तो वो लड़की तुम्हें उल्टा टांग कर चली जाएगी। ऐसे ही मैंने एक लड़की से प्यार किया तो था। ओहो अगर मैंने प्यार किया ना तो कभी नहीं छोड़ूंगी। ओके ओके रुको रुको, हाँ ओके बाय, थैंक यू। ओके बाय। अगले महीने कॉलेज में प्रोग्राम होने वाला है, कौन कौन लेना चाहता है हिस्सा? मैं गाना गाती हूँ सर। अच्छा तुम गाना गाती हो, सुनने वाला भी तो चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट। सर हम दोनों फोक डांस करते हैं। सर मैं भी ग्रुप डांस करता हूँ। ग्रुप डांस बोल के अकेले खड़े हो? सर मैं क्लासिकल डांस कर सकती हूँ। मैं जादू दिखाऊंगा सर। सर मैं वायलिन प्ले करूंगी। अरे कुछ और भी एक्सप्लोर करो ना, तुम लोगों में टैलेंट की भरमार है। मैं रोमांटिक डुइट डांस करूंगी सर। वेरी गुड, तुम्हारा पार्टनर कौन होगा? अरे हमारा भाई के अलावा कौन होगा सर? यस यस करेक्ट, शिवा ही। नहीं नहीं मुझे डांस नहीं आता सर। नहीं क्या मतलब? मैं सिखाती हूँ ना शिवा, डोंट वरी। शिवा निकल पड़ी खुशी देख। भाई वो आ गया, मैं बात कराता हूँ। हाँ बोलो। भाई तुमसे बात करना चाहते हैं। किस लिए? भाई ये लो बात करो। हेलो मेरा नाम प्रताप रेड्डी है। हाँ बोलिए। सुना था तुम कॉलेज में किसी से प्यार करते हो। अच्छा ये बताने के लिए फोन किया? हेलो पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ। देखो जिस कॉलेज में तुम पढ़ते हो मेरी बेटी भी उसी कॉलेज में पढ़ती है, घर में हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती रहती है, ऊपर से रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया था उसे देखकर वो तुमको समझकर वो घबरा रही थी। ठीक है सर। तुम थोड़ा अपने फ्रेंडशिप को कम कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। 1 2 3 ओके 1 2
1, 2. ओके ओके ओके, आज के लिए इतना काफी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना शिवा प्लीज। ओके चलो चलो चलो, आज के दिन में बच गया कहीं से। ऐसा कूल करना है अपने आप को। वो क्या ना, रोमांटिक डोज थोड़ा ज्यादा हो गया आज के लिए। ये कोई स्कूल का प्रोग्राम नहीं है, कॉलेज का है। इतना रोमांटिक होने से ही हमारा परफॉर्मेंस हाई लेवल का दिखेगा। ओ, जब घोड़े कोई परेशानी नहीं है और जिसके ऊपर मैं सवारी करने वाला हूँ उसे ही परेशानी नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। चलो करते हैं। इसे मैं क्या चीज हूँ ना, अब दिखाती हूँ। शिवा, मुझसे अकाउंट टैली नहीं हो रहा। कौन सा अकाउंट? ओ अच्छा, ये चले चले बाहर, चल समझा। चश्मे चल बाहर, चल 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 चल। ये सब कुछ तुम मुझे कुछ कर ले ए भाई, जल्दी करना। यहाँ क्या हो रहा है? ए चल निकल शिवा, आजकल तुम मेरे सपनों में आने लगे। ए अरे 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 चल। ये सब तुझे कैसे मिला यार? ए ये सब मुझे बेचकर तू डिलीट कर दे, ये कोई और देखेगा तो बुरा लगेगा। अरे ये सब स्वीट मेमोरीज है यार। हाँ तो ये सब इसीलिए तो भेजा है, एक बार देख लो फिर डिलीट मार दो। ए तुम सबको एक बात बोलने का है। वो क्या है? संध्या ने एक दिन मुझे फोन किया था, उसने रोड पे एक एक्सीडेंट देखा जो मेरी बाइक जैसा था बिल्कुल। उसने मुझे बिना फोन किए उसने डायरेक्ट आके मुझसे आके मिली, वो फिर रिलैक्स किया। फिर मैंने उसे अपनी बाइक पर बैठाया और उसके गांव छोड़कर आया। ए, इससे भी ज्यादा क्लियर कौन लड़की बोलेगी तुझे? हाँ सच बोल रहे हो क्या मामू? ए, वो तुम्हारे आई लव यू बोलने का वेट कर रही है। सही बोल रहा हूँ? सही बात है। हाँ भाई, इसी बात का खंभा मिलाना। ए इधर आ, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, इधर आ। अरे क्या हो गया अंकल? छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। क्या कर रहे हो अंकल? क्या हिम्मत हो गया अंकल आपको? मुझे बताओ क्या हुआ? लव मत करने बेटा, लव मत करने बेटा, लव करने से औलाद मर जाती है, मेरी औलाद मेरा बेटा। ए, हमारे दोस्त के मरने के बाद इनकी ये हालत है। उस प्रताप रेड्डी को मारने के लिए घूम रहे हैं, या तो ये मर जाएंगे या वो मार देगा। इनकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही यार। आज कुछ भी करके संध्या को बोल देता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? 3 साल से लव कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैंने फर्स्ट ईयर में तुम्हें बोल दिया था कि मुझे लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या मैं उसके लिए ही तो आई हूँ, इंटरेस्ट दिलाने के लिए? मैं तुम्हें सीरियसली प्यार करती हूँ। <नहीं। laughs>
मुझे कुछ देर पहले मिली थी, तुम्हारे बारे में पूछा लेकिन कुछ बोला नहीं। अभी कहाँ? अरे कुछ भी पूछने से पहले वो घर चली गई रोते हुए। तुमने कुछ बोला क्या? आइए सर, थोड़ा जल्दी कीजिए, भूख लग रही है, मुझसे अब नहीं हो रहा है। थोड़ा दूर चल के शायद मेन रोड आ जाएगा, पास में अगर कोई पुलिस स्टेशन मिल गया तो वहां हम कंप्लेन कर सकते हैं, शायद हमें कूपन तक। पुलिस स्टेशन बोल रहे हो? पुलिस स्टेशन नहीं चाहिए मुझे। कल प्रताप रेड्डी को किसी ने किडनैप कर लिया तो पूरे गांव में न्यूज फैल जाएगा। तुम पुलिस स्टेशन में फोन मत करो। अगर हम ऐसे चल के मेन रोड तक जाएंगे तो कोई ना कोई लिफ्ट दे ही देगा सर। वेंकट रेड्डी, ए चुप रहो, मैं उस आदमी से बात करके आता हूँ। ओके सर, ओके मैं बात करता हूँ। बिल्कुल ओके सर। हाँ ठीक है, चुप रहना, वो फोन पे। हाँ ठीक है, वो कम हो गया ना। हाँ तो दूसरा लगा लो। रेड्डी नमस्ते। हाँ, सब ठीक है? हाँ नमस्ते, कौन है आप? मेरा नाम प्रताप रेड्डी है, मुझे कूपन जाना है। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, हमारे पास अभी खाने तक को पैसे नहीं है। अगर आप 2000 देंगे तो मैं आपको वापस पैसे दे दूंगा। 1000 में हो जाएगा आप लोगों का? एडजस्ट कर लेंगे, चल जाएगा। हाँ, अच्छा प्लान है तुम लोगों का। ये नया तरीका ढूंढा है ना तुम लोगों ने, भीख मांगने का, चीटिंग करने का, लोगों को बेवकूफ बनाने का। अच्छा लगता है ना तुम लोगों को ऐसे लोगों की भावनाओं से खेलने में? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? पैसा चाहिए तो मांग लो ना। रेड्डी बोल के मेरे रेड्डी कास्ट का नाम खराब करना छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ। सच में ये रेड्डी है? छोड़ो, तुम्हारी उम्र देख के मैं छोड़ रहा हूँ। 5 मिनट देता हूँ तुम लोगों को, चुपचाप निकल लो यहाँ से। इन्होंने जो बोला है वो सच है, इनका नाम प्रताप रेड्डी है यार। तुम फिर वही बात दोहरा रहे हो। रुको, चलिए सर आगे चलते हैं। रुको रुको, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ अभी। भाई। हाँ बताइए, क्या है? बहुत जोर की प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीने के लिए मिलेगा क्या? राजी, इन लोगों को पीने के लिए थोड़ा पानी दे दो। आइए ना, आप लोग बैठिए, आप भी बैठ जाइए यहाँ पर। ओके सर। जल्दी दो, ये लीजिए पानी। हाँ अरे ऐसे पानी मत पिए आप राजी। हाँ? अरे इनके लिए खाने के इंतजाम करो। पीने दीजिए, आप ऐसे पानी मत पीजिए, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ, तब तक आप आराम से हाथ धो लीजिए। धो लीजिए, ये लीजिए। मालिक, आप जब पानी पी रहे थे मैं तभी समझ गया था कि आप भूखे हैं, इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया कि खाना खा लीजिए। हाँ खाता हूँ भाई। वैसे आप लोग इधर क्यों? हम दोनों ने लव मैरिज किया है, बड़े लोग नहीं मान रहे थे इसलिए हम दोनों गांव के बाहर जिंदगी काट रहे हैं। और कुछ चाहिए आपको मालिक? वैसे तुम लोग खुश हो ना? हम लोग बहुत खुश हैं मालिक। सुना क्या आपने, लव मैरिज है, दोनों कितने खुशी से रहते हैं, समझ गए? अरे मैं कोई बहरा हूँ क्या? सुन रहा हूँ। मालिक आप आराम से खाना खाइए। बैंगन एकदम बढ़िया था। अरे बैंगन मिला या कुछ भी मिला, जो भी मिला खा लो। भेदभाव, जात पात, ये सब भूल कर कितने मजे से जी रहे हैं ये लोग, और क्या चाहिए। जब इन दोनों के माँ बाप इन्हें देखेंगे
मेरे पास आओ तुम लोग। खुशी से झूम उठेंगे कि कितना अच्छा काम किया इन दोनों ने। क्या बोलते हो, है ना? सच बोल रहा हूँ ना? ये कपड़ा पहन लीजिए मालिक। नहीं बेटी, इतना अच्छा खाना खिलाया यही काफी है। मालिक, ये मेरे पिताजी की सालगिरह में दिया गया कपड़ा है, ले लीजिए। आप बड़े हैं, मुझे देखा नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, पहन लीजिए, पहन लीजिए मालिक, ले लीजिए। देखो मेन रोड आ गया। अब मुझसे चलना नहीं होगा, इधर ही रुकता हूँ। तुम देखो कोई गाड़ी आ रही है क्या? ठीक है ठीक है, आप इधर ही बैठिए। देखो 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 गाड़ी आ रही है। देखो देखो रुको, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुक रुक रोकना गाड़ी है, रोक। कहाँ जाना है भाई आप लोगों को? हम जहाँ जाएंगे आप वहां तक नहीं आओगे, लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं हम वहां तक आ सकते हैं। चलो। वैसे चाय भाई तुम लोग पीते हो ना? अगर आप पिलाओगे तो हम पियेंगे जरूर। हाँ चलो चलो आगे चल के पीते हैं कहीं। हाँ चलिए। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा जिसने भी किया है ना, वो लोग बहुत दुष्ट है। ए अनु। हाँ? संध्या अभी तक नहीं आई क्या? नहीं अभी तक नहीं आई। अरे देख ना यार, कब आएगी वो यार? नहीं जानती, दोनों का तो ऐसे ही चलता रहता है। ये सब उस माई की वजह से हुआ है, देख मैं क्या करता हूँ अभी। हे, उसकी वजह से क्या हुआ ये बात उसे बतानी होगी। पता नहीं क्या फील करी होगी बेचारी। हाँ यार, संध्या तुझसे सीरियसली लव करती है, इसलिए आज वो कॉलेज भी नहीं आई है। हाँ यार। हाँ चल चलते। संध्या अंदर है क्या? अरे चुप, इधर आ। वो ऐसा क्यों कर रही है, जवाब भी नहीं दे रही। अरे जिनको भेजा है वो बताएंगे यार, तू फोन जेब में रख। क्या कहा उसने, कैसी है वो? संध्या को आउट फ्रेश करके रखा है, घर में तुम्हारा फोटो सब मिल गया है। उसकी पोजीशन बहुत सीरियस है, मेरे हिसाब से तुम्हारे लव का मामला उसके घर में पता चल गया। यस आई लव हिम, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उससे ही करूंगी। ये क्या है, क्या बोल रही हो तुम? हाँ वैसे क्या समझ रखी हो तुम? हमारी पूरी बिरादरी में किसी और जाति से रिश्ता करने से पहले 100 बार सोचते हैं, और तुम प्यार करके दूसरी जाति में शादी करना चाहती हो? समझ में नहीं आती है बात? हाँ उसका नाम बताओ, कौन है वो? ए एंटी रेड्डी, देखना आगे से ही अपनी मनमानी ना करे। ठीक है भाई। कोई भी नया लोग इस गाँव में दिखाई दे तो उसे काट के फेंक देना। संध्या, शिवा, दो दिन से मुझे बंद करके रखा है, यहाँ पर कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है, कॉलेज भी नहीं जाने दे रहे, देखो मुझे कितना मारा है। प्यार करना क्या गुनाह है शिवा? संध्या तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल मैं आ गया हूँ। शिवा मेरे आदमी तुम्हें मार डालेंगे, जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, तुम जाओ, जाओ। क्यों मार रहे हो उसे? भाई वो हमारे घर में घुस गया था। इसके लिए बोलती हूँ सुबह उठते ही भगवान की पूजा किया करो, फोन मत देखा करो, कितनी चोट लगी है तुमको। अब क्या हो गया है, मालिक की खातिरदारी की जा रही है? मुझे पूजा का फल मिल गया है जी। उसके बदन में पूरी चोट लगी हुई है और तुम कह रही हो तुम्हें पूजा का फल मिल गया है? ऐसी बात नहीं है जी, वो रास्ते में जाते वक्त बाइक के सामने एक छोटा बच्चा बीच में आ गया, उसको कहीं चोट ना लग जाए उसको बचाने के लिए खुद चोट खाकर आ गया। सब कुछ मेरी अच्छाई का ही फल है जी। ऐसा बोला तूने इसको? मैं तो मंच पर नाटक करता हूँ, ये तो अपने जीवन में नाटक कर रहा है ये। हाँ हाँ तुम्हारी चोट को देखकर मैं इतनी तकलीफ में हूँ और ये ऐसा बोलकर जा रहे हैं? वो तो ऐसे ही है माँ। ए मामू, माँ को तो मैंने मैनेज कर लिया है, लेकिन पिताजी को थोड़ा सा डाउट हो गया यार। एक सेकंड रुक, वो आगे।
क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, बस छोटा सा एक्सीडेंट है और कुछ नहीं है बस। आप क्यों अफसोस कर रहे हैं? बेटा मैं नाटक जरूर करता हूँ, हर गांव में मेरी पहचान के लोग रहते हैं, मुझे सब पता है। उनकी जात की लड़कियों से प्यार करोगे तो वो चुप नहीं बैठेगा प्रताप रेड्डी। ऐसे में तुमने उसी की लड़की से प्यार कर लिया, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उन्हें जान से ज्यादा इज्जत की पड़ी है। सुनो तुम, बोलो मत मुनि के साथ क्या हुआ था। ए पिताजी, मैं उन पागलों जैसा नहीं जो आत्महत्या करने की सोचो। मुनि ने आत्महत्या नहीं की थी बेटा, प्रताप रेड्डी के गुंडों ने उसे मारकर बॉडी को रेलवे की पटरी पर फेंक दिया था। ए पागलों साले को, ए साला, आज इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जाने बंदे, भाग न पाए। आग मार साले, तेरे टुकड़े टुकड़े करके यहीं पर फेंक देंगे। पुलिस वालों ने उसे आत्महत्या का केस बना दिया। ये बात जानते हुए भी मैंने उनसे झगड़ा नहीं किया, क्योंकि अगर हम लोगों के खिलाफ जाएंगे तो वो हमारे गांव का पूरा नामो निशान ही मिटा देंगे बेटा, और हम मजबूर होकर कुछ नहीं कर पा रहे। जहां अमीर का एक इंसाफ है, गरीब को अलग इंसाफ है। मेरे दादा परदादा के जमाने से ये जंग चली आ रही है, लेकिन एक बार भी हम नहीं जीते हैं। लेकिन तुम सुपर हो यार, उनके ही गाँव में उसकी घर जाकर उसकी लड़की से मिलकर आए हो। तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। वैसे इतनी हिम्मत आई कैसे तुम्हें? अगर किसी से सच्चा प्यार किया तो हिम्मत अपने आप आ जाती है पिताजी। इसी हिम्मत से उसके घर जाकर उसकी लड़की को उठा कर लिया बेटा, बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। दोबे रोक के पिताजी, मैं आपकी वजह से जीत कर दिखाऊंगा पिताजी। शिवा, एक इंसान को बदलना है तो सिर्फ ऐसे नहीं होगा, अगर उसे बदलना है तो उसे उस परिस्थिति में लाना चाहिए। एक इंसान को बदले के नाम पर तकलीफ देकर जीतना, ये कोई जीत नहीं होती है, उनके दिल को जीतना होता है, वही सच्ची जीत है, तभी समस्या का हल होगा बेटा। कुछ भी करके संध्या के पिताजी से बात करनी अपने प्यार के बारे में। हाँ क्यों नहीं, जैसा उसका बाप तुम्हारे इंतजार में बैठा हो, अगर वहां तक बात पहुंच भी गई ना तो समझ लो तुम्हारे प्यार का दी एंड हो गया। अरे उसका बाप वैसे ही उसके लिए लड़का ढूंढ रहा है, उसके शादी की प्लानिंग चल रही है, उससे पहले तुम लोग निकल जाओ। अरे अगर तुरंत बोला तो कैसे चलेगा यार? लव मैरिज कर लो और क्या, खामखा इतना टाइम वेस्ट कर रहा है तू। अरे जब प्यार किया था तो ये सब नहीं सोचा था मैंने यार, नहीं पता था शादी के बारे में सोचूंगा तो इतना सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, घर परिवार पैसा सब कुछ कैसे मैनेज होगा यार। अरे तो टेंशन मत ले, हम लोग सब सेट कर देंगे, और ये प्लान सबसे पहले संध्या को बताना पड़ेगा। मैं कुछ भी करके 10,000 अरेंज करता हूँ। भाई मैं भी 10,000 देता हूँ। अरे इतने में नहीं होगा यार, मिनिमम 1,00,000 रुपया चाहिए। शिवा, शिवा, ये क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, ये क्या है, तबीयत ठीक है? एक काम करो, तुम ये प्रसाद खाओ। ले खा। हाँ अच्छा, नहीं चाहिए, ठीक है ले, फूल रख ले। आप कहाँ गई थी माँ? मंदिर गई थी। माँ आप किसी काम के लायक नहीं हो, सच में मैं सच बोल रहा हूँ। आपके पति को पता है? अरे उनको क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ आपके पति को, पक्का उस रेशमी ने कुछ किया होगा, ड्रामा टीम के लोग ऐसे ही बोल रहे थे। मतलब? हे भगवान, ये सब बातें अपनी माँ के सामने कैसे बोलूं? क्या करूं, किसी और के सामने बोला तो अपनी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, समझ नहीं आ रहा भगवान। कोई बात नहीं है, बोलो मैं समझ लूंगी। बोलने जैसा कुछ नहीं है माँ, वो ड्रामा टीम में रेशमा है ना, पूरे दिन उसके साथ रोमांस करते रहते। अरे पोता पोती आने की इस उम्र में उनको ये आदत कैसे लगी? हाँ माँ, पुराना जमाना, त्रेता युग, श्रेता युग, क्या ब्रह्मा जी ये बोल के गए कि ये नहीं कर सकते इस उम्र में। ओने दो, आज उनकी हड्डी पसली तोड़ कर रखूंगी। तू फिर से गलती करने जा रही हो, ऐसे मैटर को घर तक नहीं लाते माँ, वरना वो घर उठकर आ जाएगी। ये जितने भी मैटर होते हैं ना माँ, सब पैसे के लिए होते हैं, वरना हमारे पिताजी कोई सुपरस्टार महेश बाबू प्रभास थोड़ी ना है। है ना? हाँ। अभी हम क्या करेंगे? हे माँ, 10 गुंडे वहाँ भेज दिए जाए ना, और वार्निंग दे दे। वो कैसे? ये आइडिया काम करेगा माँ। मुंह पे कुछ पैसे फेंक के मारेंगे और खतरनाक वार्निंग देंगे हम लोग, और ये मैटर वहीं खत्म हो जाएगा, फिर वो हमारे रास्ते में नहीं आएगी। पकड़ो अभी आती हूँ। 20,000 और 10 कितने हो गया? ये लो 20,000। ओके 20,000 लड़की के लिए, और गुंडे के लिए? इसमें तो बस ये भी दे दो ना माँ। 1 साल जोड़कर जमा करके रखा था इसे। माँ ये मैटर हमारे बीच में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए बिल्कुल भी, समझ गई ना? ओके ओके। अरे सोने की चैन खरीदने के लिए छुपा कर रखा था। बलिया आ जाओ, तुमको दिखाती हूँ। माँ देवी
महादेवी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जाके चाय बनाओ। मैं लक्ष्य शीला की जवानी में डांस नहीं कर सकता हूँ क्या? अरे कौन सी शीला? शीला की जवानी में डांस नहीं कर सकता हूँ क्या? माधवी, क्यों रो रही हो? अरे तुम्हारे रिश्तेदार सब एक्सीडेंट में चल बसे हैं क्या? आप नहीं जानते क्या? अरे तुम नहीं बोलोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? अच्छा अच्छा, सब जानकर भी अनजान बन रहे हो। कितना कुछ नाटक करते हो, ये भी नाटक कर रहे हो। और तुम इतना नाटक करते करते मेरे साथ भी नाटक कर रहे हो। अरे अरे, एक ही हाथ में 100 आदमियों को मिट्टी में मिलाकर राख कर दूं, पर बीबी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने कितनी पूजा की थी। पिताजी, क्या हो गया? माँ क्यों रो रही? अगर मुझे पता हो तो मैं तुम्हें बताऊँ ना बेटा। मैं तो अपने रूम में जाकर शीला की जवानी गाने पर डांस की प्रैक्टिस कर रहा था, और ये आकर वहाँ देख कर रो रही थी। नहीं पिताजी, देवी जैसी माँ को आपने रुलाया, जरूर आपने कुछ गलत कहा होगा माँ को। मैंने, ठीक है छोड़ो, कुछ भी करके तुम अपनी माँ को खुश करो। उसके लिए थोड़ा खर्चा लगेगा। खर्चा कितना? मतलब प्रॉब्लम भी आपका, रेट भी आप ही फिक्स करो। अरे अरे, मेहनत की कमाई है मेरे। पैसा तो आप और भी कमा सकते हैं। आप ये काम करिए, बाहर जाके चुपचाप होके बैठिए, मैं माँ को चुपचाप बाहर लेकर आता हूँ, ठीक है? अरे दांत निकल गए तो लड़का बड़ा हो गया है। माँ ऐसी है इसकी बात? माँ माँ, जैसा हम सोच रहे थे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अभी तुम चुप हो जाओ। एक बात बोलूं तुम्हें, सीता जैसी मेरी पत्नी है, ऐसा बोलने वाले श्रीराम मेरे पिताजी ऐसा बोलते हैं सबको। ऐसा क्या? मैं तो उनको कितना गलत समझ रही थी। हे भगवान, मैं ना उनके पैर में गिरकर माफी मांग लेती हूं। तुम फिर से गलती करने जा रही हो माँ। जो मैंने बोला अगर ऐसे बोलोगी तो इज्जत अपनी मिट्टी में मिल जाएगी। तुम यहीं ऐसे बैठो, मैं पिताजी को अंदर भेजता हूँ, ठीक है? किस लिए रो रही थी महादेवी? अजी, मेरे पिताजी की याद आ गई थी। आगे से कभी मत रोना महादेवी, तुम्हारे रोने को बंद कराने का खर्चा 10,000 है। वो कैसे? वो ऐसा ही है। अरे तू इसको अंदर रख, उधर सिचुएशन क्या है पता नहीं, उसको आने दे। संध्या। अरे भाई, वहां पे प्रताप रेड्डी, एंटी रेड्डी कोई भी नहीं है, पूरा एरिया साइलेंट में है। लगता है कुछ अलग प्लान कर रहे हैं वो लोग भाई। संजय, यस। ए शिवा, ए शिवा, ए शिवा। संध्या, संध्या। अरे कौन हो तुम? किसको ढूंढ रहे हो? अरे रुको, अरे रुको। कौन हो तुम? रुको। संध्या। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? सुनो मेरी बात। ए मालिक, देखिए कौन है। रेड्डी साहब, देखिए यहाँ कौन आया है। संध्या, रुको। रेड्डी साहब, जल्दी आइए। संध्या, आप लोग बैठिए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। हाँ ठीक, 2 मिनट। ना बस अभी आया मैं। हाँ ठीक है ठीक है। क्या बात है, बहुत खरीदी की है तुमने। सर हमारे गांव में ना एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होने वाला है, मैंने उसी के लिए ये सारी चीजें खरीदी है। मैं तो चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ चले।
सर आइए इधर 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 हेलो ओए ओए ए ए ए चलिए सर चलिए आइए बहुत मजा आएगा आइए सर। हाँ ये बहुत फेमस है सर आपको पता नहीं है तो आपका दिल खुश हो जाएगा आइए 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 सर आइए आइए सर यहाँ बैठिए आप लोग थोड़ा आगे हो जाइए सर आप यहाँ बैठिए बैठिए आराम से बैठिए आप यहाँ बैठ जाइए देखा ना सर आपने फल उसने एक मुस्लिम की दुकान से खरीदा फूल उसने एक हिंदू की दुकान से खरीदे और पूजा की थाली उसने हमारे सामने क्रिश्चियन की दुकान से खरीदी और उन सारी चीजों को उसने भगवान के सामने उनके चरणों में अर्पित कर दिया सर जब भगवान कोई भेदभाव नहीं करता तो मनुष्य भेदभाव क्यों करता है तुम उधर क्यों आकर बैठ गए हो उधर पूजा चल रहा है हा? लो ये लो प्रसाद खाओ ए हंसो यार हंसो तुम अच्छे दिखते हो हंसते हुए लो लो खाओ खाओ सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर वहाँ पे डांस प्रोग्राम हो रहा है जोरदार चलिए मेरे साथ कौन सा डांस प्रोग्राम सर डांस प्रोग्राम हो रहा है अच्छा? चलिए चलिए मेरे साथ आप लोग चलिए मेरे साथ चलिए 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 क्या हुआ अरे तुम देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हो रहा है अरे अरे देखो यहाँ पे क्या हो गया है अरे इसको चोट लग गई कितना खून बह रहा है अरे कोई तो मदद करो अरे यहाँ पे जल्दी आओ क्या हो गया ये देखो कितना चोट अरे जल्दी उठाओ इसको एम्बुलेंस बुलाओ आराम से नमस्ते सिस्टर नमस्ते जी कैसे हैं आप अच्छा हूँ मैं बाहर सब लोग आपका वेट कर रहे हैं लगता है आपके सब रिश्तेदार हैं आपका ब्लड ग्रुप जल्दी मिलता नहीं है बहुत मेहनत करके एक आदमी को लेकर आए थे आप ग्रेट हो वो लोग आपकी कितनी फिक्र करते हैं प्लीज आप आराम करें ओके नमस्ते नमस्ते मालिक नमस्ते नमस्ते कैसे है आपकी तबीयत कैसी है मालिक ज्यादा लग गई है चोट ऊपर वाले का कर्म है कि आप सुरक्षित हैं। तुमको कुछ नहीं हुआ ना कुछ नहीं सर छोटी छोटी चोट लगी है बस मस्तान खान का पैर टूट गया मुझे कुछ नहीं हुआ सर मैं ठीक हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है सर सॉरी सर अरे सॉरी किस लिए इसमें तुम्हारी क्या गलती है आओ बैठो बैठो आ, आ, अरे हमें इधर आने के लिए कितना प्रॉब्लम्स है जिसे हम आगे पीछे नहीं जानते वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारे खातिर एक की मौत हो गई है और एक का टांग चला गया है हमारे पेट को भरने के लिए यहाँ एक फैमिली हमारे लिए वेट कर रहे हैं बोल रहे हैं ये लोग पूरी रात इधर ही थे सच में इंसान को इंसान ही काम आता है ऐसा बड़े लोग ने बोला है इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है सुपर सर आपको ये बात समझने में इतने साल लग गए सर सर आपने एक चीज नोटिस करी हम दो दिनों में इतने लोगों से मिले इतने लोगों की हमने मदद की इतने लोगों की मदद करने की वजह से आज हम दोनों इधर तक पहुंचे हैं एक और चीज सर हम उनमें से किस जात के हैं किस धर्म के हैं हमने ये तक नहीं पूछा सर एक बात और सर उन लोगों ने जो मदद की उसकी जरूरत थी हमें हम दो दिन में यहां पहुंचे हैं ना हर इंसान ने हमारी मदद करी है आप एक चीज समझिए सर
ऐसे ही आपसे कितने लोगों ने मदद की उम्मीद करी होगी सर, लेकिन आप आज तक किसी के काम नहीं आए। लेकिन आपको आज चीज समझ में आ रही है, इंसान का सबसे बड़ा धर्म लोगों की मदद करना है, और इससे बड़ा धर्म सर और कुछ है ही नहीं। इंसान इंसान से तभी डरता है सर, जब वो अपनी जात, कुल, धर्म सब चीजों को बीच में लेकर आ जाता है। हाँ शिवा, सच है, इंसान को इंसानियत के लिए काम आना चाहिए। वैसे मुझे ब्लड देने वाला कौन था? क्यों सर, उसकी जात क्या, ये पूछने के लिए? अरे नहीं नहीं, थैंक्स बोलने के लिए। उससे पहले सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? आपको किडनैप करके मैं वहां लेकर गया था। क्यों किडनैप किया तूने? आपके ऊपर से ये जात पात का भूत उतारने के लिए सर। मेरे अकेले बदलने से समाज बदल जाएगा क्या? अगर आप बदल गए तो सर आपके अगल बगल के कुछ लोग तो बदलेंगे ही ना। उसमें तुम्हारा क्या फायदा है? उन दोनों को छोड़ दो ना सर। किसको? ये तो बता वो लड़की कौन है यार? पता चलेगा, सब पता चलेगा। भाई, दोनों एक साथ मिले हैं, काट दो इन्हें। ए, तेरा इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं। इसने हमारी लड़की को भगाकर यहाँ से शादी की, हमारी जात के बारे में जानकर भी जानबूझ के शादी करके हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। इन दोनों को काट कर यहीं गाड़ देंगे। ए, अगर बीच में आए तो भी काट देंगे। हाँ भाई। ए, काट कर नहीं, काट नहीं। Ah!
रामचरण पन्नी अभिषेक बच्चन कोहली और नागार्जुन महेश बाबू इतना ही क्यों है? इंडिया में जन्म लिया सानिया मिर्जा और पाकिस्तान में जन्म लिया सोहेब मलिक। धर्मकुल को छोड़कर शादी की इन लोगों को कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब कोई गरीब लड़का शादी करेगा तो तुम लोगों को परेशानी होगी। प्यार करके जो लोग शादी करते हैं वो घर नहीं चलाते क्या? क्या वो लोग तुम्हारी नजर में अच्छे से नहीं जी रहे क्या? अब जो भी प्यार करेगा उनके ऊपर हाथ उठाया तो मार के काट दूंगा। आज तू हम लोगों से बचा कर ले जा रहा है, लेकिन भाई के हाथों से नहीं बच सकता तू। वो तुझे ढूंढ कर काट कर गाड़ देंगे, बचेगा नहीं तू। सॉरी शिवा, हमारे कॉलेज आने से पहले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। संध्या बोले तो सीक्रेट, सीक्रेट बोले तो संध्या। इतना बड़ा सीक्रेट मुझसे छुपाया तुमने। हमारे लोगों ने अटैक किया इसलिए हम लोगों ने भागकर शादी कर ली। अगर तुम बीच में नहीं आते तो आज हम दोनों मर जाते। थैंक यू शिवा। एक मिनट। गाड़ी को लेकर तुम लोग बैंगलोर चले जाइए, वहां मेरा फ्रेंड होगा। मैं यहां सब सेट करके तुम्हें कॉल करता हूं। ओके ठीक है भाई, टेक केयर। ओके गुरु, मिलते हैं फिर। ओके। प्यार करके दूसरी जाति में शादी करना चाहती हो, समझ में नहीं आती है बात? हाँ? उसका नाम बताओ, कौन है वो? कहीं आप उनको ढूंढ कर मरवा ना दें, इसलिए मैंने आपका किडनैप करवाया था। उन दोनों को एक साथ देखकर जब मैंने आपकी बेटी के चेहरे पर खुशी देखी, उस खुशी को आप मत छीनिएगा सर, प्लीज सर, छोड़ दीजिए सर। हॉस्पिटल में डॉक्टर जात पात धर्म नहीं पूछता, ओनली ब्लड ग्रुप पूछता है बस। ये सब का कोई फायदा नहीं है सर, तो ये सब क्यों सर, बताइए मुझे सर। इतना ही क्यों? एक रात के लिए एक लड़की को अगर बुक किया जाए तो उसकी कोई जात पात नहीं पूछता, बस सेटअप रखते हैं, धर्म की कोई जरूरत नहीं होती, बस लड़की अच्छी है या नहीं, बस इतना ही देखते हैं। लेकिन प्यार करके शादी करने के लिए सब रुकावट आ जाती है फिर। ये पढ़े लिखे लोग जानते हैं, जो इंसान की जात है ना, ये जानवर की जात से निकल कर आई है। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, आपके दादा कौन से जानवर की जात से हैं सर? हमारे परदादा कौन से वानर की जात से हैं सर? प्लीज बोलिए ना सर, बोलिए ना। एक मिनट सर। मामा, आप इनको मारने के लिए रोज पागल बनने की एक्टिंग करके घूम रहे थे, लेकिन जब भी आपको रोड पे पड़े हुए मिले तो आपने इन्हें क्यों नहीं मारा मामा? जब तक हम जीते हैं ना, मारने के लिए गुस्सा, दुश्मनी, बदला, ऐसा सब करते हैं। लेकिन जब मौत से लड़ रहा था तो कुछ करके भी बचाने के लिए दिल किया था। भगवान ने सबको जान देकर रखा है, भगवान सबकी रक्षा करे, भगवान भगवान सबको खुश रखे। देखा ना सर, इंसान हर तरीके की मदद करके प्रतिफल भगवान पे छोड़ देता है और कहता है ये सब भगवान ने किया है। इंसान को जब तकलीफ आती है तब उसे इंसानियत की वैल्यू पता चलती है। अभी सब आपकी मर्जी है सर। Thank you.
नमस्ते अंकल। सॉरी अंकल। अब दोनों हैप्पी, फिर से तूने प्यार करने वालों को मिलाया। अब तो हैप्पी हो ना। कुछ भी बोल यार, ये लड़का बहुत ग्रेट है। मालूम था इसको जान का खतरा है, लेकिन तो भी वो सिंसियरली उससे शादी करने के लिए यहाँ तक आया। कुछ भी बोलो यार, हमसे कहाँ होगा ऐसा सिंसियर लव। ऐसे ही लोगों को उनका प्यार मिलता है यार। ये किधर चला गया यार? जैसे मेरे पीछे पड़े हो, अभी तक कोई मिला नहीं क्या? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर उस दिन तुम बोल देती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो ये सब नहीं होता। हाँ, सारी गलती मेरी ही है। ए, मैंने तेरे अलावा आज तक किसी और को प्यार नहीं किया, ये सब जानते हैं। मैंने सच में तुझसे प्यार किया। पहले दिन मैंने तुझे प्रपोज किया, लेकिन तेरे लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया, मुझे मारने की कोशिश करी। ये जानने के बाद भी मैंने तुझसे बेहद प्यार किया। अगर तुम उस दिन प्यार का इजहार कर देती तो आज हम दोनों एक दूसरे के साथ होते। रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा पीछा करना छोड़ दो तुम। मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। अब रोकोगी इस कहानी को? मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई लवर भी नहीं है, ना तुम्हारी कोई शादी फिक्स हुई है। तो फिर मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? सुनो, हम जिस लड़की से प्यार करते हैं वो लड़की कहाँ रहती है, किससे बातें करती है, उसके पिताजी क्या करते हैं, हम ये सब जानकारी अपने पास रखते हैं। हम एक दिन लड़की से शादी करेंगे ऐसा सोचते हैं, लेकिन जो लड़की लड़के से प्यार करती है वो लड़की हर सिचुएशन में लड़के के साथ रहेगी ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन हम गलत होते हैं। हर लड़की एक जैसी नहीं होती ना जिससे प्यार किया। इतनी सारी जानकारी रखते हो तो फिर ये जानकारी क्यों नहीं रखी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? जब से तुम्हें देखा है तुम्हें देखे बिना नहीं रह पाती थी। बर्थडे के दिन तुम्हारी वजह से चॉकलेट गिर गया था, फिर तुमने वॉचमैन से नई चॉकलेट बॉक्स भिजवाई थी। और उसी दिन से तुम मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गए हो। मैं हमेशा कॉलेज बस में जाती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से जानबूझकर बस मिस करती थी, ताकि मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार कर सकूं, इसलिए वहां आती थी। पहले दिन जो झगड़ा हुआ था वो मेरे रिश्तेदार वालों ने तुम्हारे लिए प्लान किया था, इसलिए डरती थी कि जिस दिन मैं तुम्हें आई लव यू बोल दूंगी उस दिन वो हमला करेंगे। इस बात को जानने के बाद मैं तुमसे दूर होने लगी थी, लेकिन उस दिन सबके सामने पूछने के वक्त मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने झूठ कह दिया था। उस झगड़े के बाद मेरे पापा ने उस कॉलेज से निकाल के इधर एडमिशन करवाया। लेकिन तुम बताओ, तुम डायरेक्टली मेरे पास क्यों नहीं आए, मैं कैसी हूँ ये पूछने के लिए? हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती थी मैं। हर रोज कॉलेज इसलिए आती थी ताकि तुम मुझे देख जाओ। तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आती थी। सॉरी माही। प्लीज, अब ना तुम चाहिए ना तुम्हारा प्यार, मैं खुद को संभाल लूंगी। अगर फिर से प्रॉब्लम आएगी तो तुम फिर से भाग जाओगे और फिर वापस आ जाओगे। धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हूँ मैं। अगर लड़की एक बार पीछे मुड़के किसी लड़के को देख लेना तो वो लड़का उसके पीछे पड़ जाता है। ऐसी परिस्थिति को हम प्यार समझ लेते हैं, लेकिन ये जानने के बाद भी कि वो तुम्हें छोड़ देगी, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक उसके लिए जीऊंगा। ये जिंदगी मेरी तुम्हारे नाम कर दी है, अब तुमसे बिछड़ कर नहीं रह पाऊंगा। I love you. I love you. I love you, Mahi. I love you, Mahi.